हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, गर्भावस्था के 7वें महीने में बच्चे का कितना विकास हो जाता है और आपको किन खास बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी का जो 7वां महीना होता है, ये आपका लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर होता है गर्भावस्था का। 7, 8 और 9 मंथ जो होते हैं प्रेगनेंसी के, लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं। अब इसमें एक बच्चे का क्या कितना विकास होता है, बच्चे का कितना वजन हो जाता है, बच्चे का साइज कितना होता है। तो बच्चे का जो साइज होता है प्रेगनेंसी के 7वें महीने में, वो 38 सेंटीमीटर तक हो जाता है और बच्चे का जो वजन है वो 1800 ग्राम तक हो जाता है। मतलब अब आपका बच्चा जो है वो 1.5 किलो तक का हो गया है। बच्चे के चारों तरफ फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। बच्चे अब दिन पे दिन वेट गेन करना शुरू करेगा और अपने आप उसका वजन अब आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे प्रेगनेंसी वीक्स आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अब आपका भी वजन अपने आप में काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि अब आपकी 7वें महीने की प्रेगनेंसी है। बच्चे ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, मूवमेंट तो उसकी पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। अब आप कुछ बोलती हैं या बाहर कोई तेज़ साउंड अगर आता है तो उस पर बच्चा रिएक्ट करता है, बच्चा सब कुछ सुनता है। अगर आप दुखी होती हैं तो वो भी फील करता है, अगर आप खुश होती हैं तो वो भी खुश होता है। तो आपकी सारी जो मूवमेंट्स हैं, सारी जो फीलिंग्स हैं, वो सब कुछ बच्चे को महसूस होती हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेस लेती हैं तो बच्चे को भी वो पता चल जाता है। तो इसलिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ताकि आप खुश रहेंगे तो आपका बच्चा भी खुश रहेगा और ज़्यादा हैप्पी रहेगा और ज़्यादा मूवमेंट करेगा और ज़्यादा स्वस्थ भी होगा। इसके अलावा 7वें महीने की प्रेगनेंसी को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सेफ रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि इस महीने में प्रीमैच्योर डिलीवरी होने का कई बार खतरा होता है। तो इसलिए कुछ बातों का ध्यान आपको बहुत रखना है, जैसे कि आपको भारी सामान नहीं उठाना है, आगे की तरफ बार बार झुकना नहीं है और ट्रैवल नहीं करना है क्योंकि अब लास्ट का ट्राइमेस्टर है, आपके लास्ट 3 मंथ है। तो आप ट्रैवल आप अवॉइड कर दीजिए, आपके डॉक्टर भी आपको मना कर देंगे। तो इसलिए ट्रैवल मत करिए ताकि किसी तरह की ब्लीडिंग और स्पॉटिंग का खतरा हो। रिलेशन बनाना आप स्टॉप कर दीजिए इस टाइम पर। तो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लीजिए क्योंकि स्ट्रेस लेने भी से भी बहुत प्रीमैच्योर डिलीवरी होने का खतरा होता है। तो 7वें महीने की प्रेगनेंसी को प्रिकॉशंस की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि किसी भी लापरवाही से जो बेबी है वो समय से पहले उसका जन्म होने का चांसेस होते हैं। तो इसलिए इन बातों का बेहद खास ख्याल रखिए। इसके साथ ही आपकी डाइट को दिन पे दिन और अच्छा करते रहिए क्योंकि अब बेबी वेट गेन कर रहा है और आगे करता ही रहेगा। तो अपनी डाइट में कभी भी कोई भी लापरवाही ना करें। आपकी जो दवाइयां हैं फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, उन्हें प्रॉपर रेगुलर लेते रहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए, किसी भी तरह की दर्द परेशानी हो तो डॉक्टर से ज़रूर बताएँ। आपके जो अल्ट्रासाउंड पेंडिंग है उन्हें समय से करवाते रहिए। और इसके अलावा 7वें महीने की प्रेगनेंसी में एक खास अल्ट्रासाउंड होता है, उसके बारे में डॉक्टर से अपने कंसल्ट करिए बेबी के बॉडी पार्ट्स चेक करने के लिए। तो वो भी डॉक्टर आपको बताएंगे। अलग अलग वीक्स में अलग अलग अल्ट्रासाउंड होते हैं, आपका जो वीक चल रहा है उस हिसाब से डॉक्टर आपको बताएंगे कौन सा अल्ट्रासाउंड कराना है। तो वो अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर करवा लीजिए, उसे बिल्कुल भी मिस ना करिए। और अपने खाने पीने की चीज़ों का बेहद ख्याल रखिए। आप वॉक कर सकते हैं, हल्के फुल्के योगासन भी कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7वें महीने की प्रेगनेंसी में कई बार बच्चे हेड डाउन पोजीशन में भी आ जाते हैं। अगर मदर पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं तो बच्चे हेड डाउन भी कर लेते हैं। अगर आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया तो डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो हेड डाउन पोजीशन में है तो डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं जब बेबी 7वें महीने में हेड डाउन पोजीशन में आता है, या कि वो मदर कहती है कि मैम हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट बच्चे की नीचे की तरफ फील होती है, तो क्या इसमें कोई टेंशन वाली बात है? तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए, बहुत ज़्यादा काम मत करिए, थोड़ा सा आराम करेंगे तो बच्चे अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहते हैं। अगर वो अभी हेड डाउन में है तो वो बाद में चेंज होकर के दूसरी पोजीशन कर लेगा। तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं होती है, बस जो सावधानियां बताई हैं उनका ख्याल रखिए, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ रहेगी। तो ये थी खास जानकारी 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की। चलिए मिलेंगे नए 8 मंथ प्रेगनेंसी की टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।